जगह के बारे में थोड़ा बताइए, और ये कैसे स्टार्ट किया आपने, और ये स्टार्ट करने का मकसद क्या था आपका? बेसिकली हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं सोशल वर्क में, सोशल फील्ड में। तकरीबन 2014 से हमारा ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन है रेड क्रॉस फाउंडेशन का। तब उससे पहले से हम वॉलंटियरली पार्टिसिपेशन करते थे हर एक्टिविटी में सोशल वर्क करना। फिर देन एक एम बनाया कि अगर हम वॉलंटियरिंग करेंगे तो कब तक करेंगे, खुद का कुछ होना चाहिए। तो देन वी फाउंडेड रेड क्रॉस फाउंडेशन। रेड क्रॉस फाउंडेशन बनाने के बाद में हमेशा से एक चीज़ होती थी कि कुछ करना है लोगों के लिए, हमेशा कुछ करना है। जो दिक्कत है, जो तकलीफ है, जो लोगों को होती है, जो हमने फेस किया, वो आगे आने वाली पीढ़ी ना फेस करे। तो एक लॉकडाउन के अंदर एक कॉन्सेप्ट हमने जनरेट किया कि यहाँ पर कैसे हम स्लम में रहते हैं और स्लम की प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है। वो लगती है बहुत छोटी सी, लेकिन वो बहुत बड़ी। एक घर में 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, और लॉकडाउन में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मोबाइल पर रिचार्ज कैसे हो गया? तो हमने एक आइडिया को जनरेट किया इन मिड लॉकडाउन। आप बोले कि 2019 का लॉकडाउन स्टार्ट होने के 3-4 महीने के अंदर ही हमने इसको चला था अंडर पार्शलूफ ऑफ पाठशाला एजुकेशनल ट्रस्ट के अंदर। तो ये हमने जनरेट करने का मकसद ये था कि लोग जो नहीं पढ़ पाते, ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पाते, जिनकी लैक हो रही है, उनको यहाँ लाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर बिठा कर उनको पढ़ाया जाए। तो मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं, तकरीबन आज मेरे पास 150 प्लस बच्चे आते हैं पूरे ये स्लम से। भारत नगर जो एक, आप अगर बोलोगे तो भारत नगर एक बहुत बड़ा पॉकेट है, लेकिन ये कंसिस्ट करता है 3 डिपार्टमेंट के अंदर, महाराष्ट्र नगर, ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर, ये मिलाकर एक बड़ा स्लम बनता है। तो ये स्लम को बच्चों कैसे टैकल करना है, हमने टारगेट किया BMC स्कूल के बच्चों को, और वहाँ उनको लेकर आकर यहाँ पे हमने पढ़ाने की कोशिश की, और अच्छे से रिजल्ट आया हमारे पास। 3 साल से हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं। आज ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि मेरे पास कुछ बुक्स डोनेशन में आई थी, तो हमने उनको लगा दिया। हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं थी, तो हमारी एक फ्रेंड है कृपा, उन्होंने देखा तो बोले व्हाई नॉट यू कैन क्रिएट अ लाइब्रेरी। तो वो आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया हमको। तो हमने उन बुक्स को लेकर हमने एक छोटी शुरुआत की जुलाई के अंदर। हमने उसको क्रिएट करते करते आज मिड अगस्त आ गया है और एक लाइब्रेरी बनके तैयार हो चुकी है। हाँ, इसमें हम और काम कर रहे हैं। लॉफ्ट का ऐसा था कि ये कोई यूजेबल स्पेस नहीं थी, यहाँ पे हम अगर आप देखोगे तो स्लम के अंदर कोई सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट हमने सोचा कि लॉफ्ट को थोड़ा सा क्रिएटिव किया जाए, बच्चों को एक नी वाला स्पेस दे, क्योंकि उनको लगना चाहिए कि हमारा जगह है, ये हम पढ़ सके। तो हमने उसको एक क्रिएटिव में क्रिएट किया, क्योंकि नीचे अगर क्लास चलती है तो कोई इसको पढ़ना है। हमारी आने वाली है, और मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, किसी को बुक्स डोनेट करना है तो मेरे पास 5th-12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। एज ग्रुप आप कर सकते हो 18 सकते, 10 से 18 साल तक के। अगर आपको किसी को डोनेट करना है बुक्स, स्टोरी बुक्स डोनेट करना है, तो वी आर ऑलवेज वेलकम देम, प्लीज यू कैन सेंड अस। और आप आइए और इसे देखिए, और मैं चाहता हूँ कि हर कम्युनिटी में इस तरीके की एक स्टडी सेंटर डेवलप होना चाहिए कि कम्युनिटी के बच्चे वहाँ आए और अपना एक टाइम स्पेंड करें।